नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर मुस्लिम समाज के तमाम लोग मौजूद हैं। आज एक ज्ञापन लेकर आए थे कलेक्टर रीवा के पास, ज्ञापन दिया है। क्या है ज्ञापन, आज बात इसको लेकर। उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ईद के बाद हज करने का जाने का सिलसिला धीरे धीरे चालू होगा। हज को लेकर रीवा से काफी लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये आप लोग ज्ञापन लेकर आए थे, क्या है पूरा मामला? दरअसल आज 10 मई 2023 रोज बुधवार को हम लोग कलेक्ट्रेट में हाजिर हैं और मामला बहुत ही गंभीर है। वो ये है कि हज में जैसे कि हर साल मुस्लिम समाज के लोग हज के लिए जाते हैं और ये बहुत ही अजीम इबादत है, लेकिन इस साल हुकूमत की तरफ से जो एक हज की रकम को लेकर के एक डिफरेंस किया गया है, वो एक बहुत ही अहम मसला है। यानी कि मध्य प्रदेश में भोपाल से हज करने वाले जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको जो हज की रकम है वो 3,72,000 रुपये रकम रखी गई है, जबकि ये रकम मुंबई से हज करने वाले जो भी लोग होंगे उनके लिए सिर्फ 3,04,000 रुपये है। इतना बड़ा डिफरेंस, यानी 68,000 का डिफरेंस सिर्फ 770 किलोमीटर की दूरी है भोपाल से मुंबई की, जिसका किराया तकरीबन एयरलाइन से 4 से 5 हज़ार या बहुत ज़्यादा 6-8 हज़ार रुपये के तकरीबन लगता है। उस रकम को लेकर 68,000 रुपये ये रकम रखी गई है, जिससे मुस्लिम समाज बहुत ही परेशान है। खासतौर पर जो हज में जाने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, मैं भी आपसे और बात करूंगा। महज दिल्ली से मुंबई 68,000 रुपए किराया, इसके पहले आपने नहीं सुना हो। कितने लोग जा रहे हैं हज करने इस बार? रीवा जिले से 91 लोग जा रहे हैं हज करने। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि दो कोरोना के पहले एक साल भोपाल से जो फ्लाइट गई थी उसमें और बम्बई में जो डिफरेंस था वो करीब 30,000 रुपए का था। हमारा कहना ये है आज की तारीख में, क्योंकि अब आखिरी किस्त जमा करने की तारीख 15 मई है, इसके बाद फिर पैसा जमा नहीं होगा। तो हमारे और भोपाल में भी इस बारे में हज कमेटी में लोग गए हैं और उन्होंने बात करी है। हमारा कहना सिर पे है, या तो आप हमारा भोपाल का मार्किंग पॉइंट जो है उसको आप बॉम्बे कर दीजिए, और या अगर आप बॉम्बे नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भोपाल से जो आप 68,000 ले रहे हैं वो 20-25 हज़ार रुपये अगर आप लेंगे तो लोग देने को तैयार है। बॉम्बे जाने में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर रहने की व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है, और आमतौर में हज में जाने के पहले लोग क्या होता है अपने घर के कम से कम 5-7 लोगों को लेके जाते हैं, तो वहां पर रहने की व्यवस्था करना मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि भोपाल से फ्लाइट अभी 3-4 साल से बंद थी, अभी हुई है, इसलिए हम लोगों ने प्रेफर किया था। और एडवांस में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी कि बॉम्बे में कम लगेगा और भोपाल में इतना ज्यादा लगेगा। भोपाल और मुंबई, मामला दो जगह का है। शहर काजी से लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं। सवाल यह है कि जिस तरीके से 68,000 रुपए का आपने दिल्ली और भोपाल, मुंबई और भोपाल के बीच का डिफरेंस बताया, जैसा अभी बता रहे थे कलीम साहब कि एक ऑप्शन ये भी है 25 से 30 हज़ार, आम तौर पर इतना किराया होता नहीं है। आप लोग के जाने का जो भी सिलसिला होता है वो पहले से फिक्स होता है, तो ये जो डिफरेंस है किस वजह से हो सकता है, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी जी, उनका बयान संसद में आया था कि इसके पहले हज का फॉर्म भरे जाने वाले जो भी लोग होते थे उन सभी से 300 रुपये फीस ली जाती थी। उनका ये बयान आया कि हमने, हमारी सरकार ने 300 रुपये फीस ये हज में जो ली जाती थी हमने उसको माफ़ कर दिया, कैंसिल कर दिया, अब सिर्फ फीस उन्हीं से ली जाएगी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 300 रुपये उसमें माइनस किए गए। उसके बाद ये ऐलान किया गया कि हज जो है वो 50,000 रुपये कम में हज होगा इस मरतबा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हर साल इसके पहले तकरीबन 2100 रियाल सऊदी में हज में जाने वाले लोगों को वहां के खर्च के लिए दिए जाते थे, इस बार वो पैसे भी माइनस कर दिए गए, यानी 2100 रियाल अब वहां पर नहीं दिए जाएंगे, उन लोगों को अपने से ही खर्च के लिए अलग से रकम ली जाएगी। 2100 रियाल का कितने नोट में? 45,000 रुपए वो माइनस हो गए। उसके साथ ही साथ हाजियों को ट्रॉली बैग, एक छाता, हैंडबैग, ये सारी चीजें भी एज ए गिफ्ट दी जाती थी, वो सारी चीजें भी कैंसिल कर दी गई हैं। यानी 50,000 कम होगा हज में, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट 50,000 रुपए वो रियाल के कम हो गए,
जो गिफ्टेड आइटम थे वो सारे बंद कर दिए गए। उसके साथ ये परेशानी अलग से कि भोपाल में हज करने जाने वाले जो लोग हैं उनको 68,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए देना पड़ेगा और ये रकम कुर्बानी के साथ और भी ऐड होगी, यानी कुर्बानी की जो रकम होगी 16,000 रुपए तकरीबन वो अलग से ऐड की जाएगी। तो ये काफी परेशानी, पहले वो रकम ऐड होती थी, वो रकम ऐड होती थी, वो रकम उसी में ऐड होती थी। तो इस तरीके से कई परेशानियां हो गई हैं। हमारी गुजारिश सिर्फ ये है, अगर ये करना था तो हज के फॉर्म भरे जाने से पहले ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप भोपाल से हज करेंगे तो आपको 3,72,000 रुपए लगेंगे, मुंबई से जाएंगे तो 3,04,000 लगेंगे, या जहां से भी आप जाना चाहें। तो ये हाजी की अपनी स्वेच्छा रहेगी, अपना उसका फैसला रहेगा कि कहां से जाना चाहता है, वो जाएगा। लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया और लोगों ने फॉर्म भर दिए, अब लास्ट में आप उसको ये कह रहे हैं कि 3,72,000 आपको देने पड़ेंगे, तो ये नाइंसाफी है, ये एक बड़ी नाइंसाफी है। 3,72,000 रुपए भोपाल से जाने में देने पड़ेंगे, जबकि अगर यही सफर मुंबई से किया जाए तो 3,02,000, सीधा सा मतलब है 68,000 रुपया भोपाल से जाओ तो आपके ज्यादा लगेंगे। जबकि रीवा का आदमी या भोपाल जाए या मुंबई जाए, रीवा से उसके पास ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, 68,000 रुपए केवल जो परिवार के लोग जाते हैं उनकी वजह से एक बेहद गंभीर समस्या मुस्लिम समाज के सामने आकर खड़ी हो गई है। आज इन्होंने ज्ञापन दिया है, अब देखना है इसमें क्या कार्रवाई होती है। अब हम सिर्फ आज जो हमारी गुजारिश है मुस्लिम समाज की तरफ से, मैं बहसीत कादी शरीवा, मैं ये गुजारिश करता हूँ, पीएम साहब को भी मैंने ज्ञापन लिखा है, सीएम साहब को भी, और उसमें प्रतिलिपि में स्मृति ईरानी जी हैं, और हमारे यहाँ सीएम साहब हैं, रफत वारसी साहब हैं, और भी दीगर लोगों को मैंने ये सारे ज्ञापन प्रतिलिपि में भेजे हैं। सिर्फ गुजारिश ये है कि या तो इस रकम को, जो वाजिब रकम है जो पिछले हमेशा लगती थी, वो रकम रखी जाए, और या फिर भोपाल के बजाय सारे हाजियों का इंतजाम मुंबई से कर दिया जाए जो कि वहां से आराम से लोग हज कर सकें। सबके सब लोग ये चाहते हैं, छोटी सी डिमांड करते हैं कि हमारे पैसे बचने चाहिए। हालांकि आपने हमको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, हमें वो सुविधा नहीं चाहिए, वो तो आपने वैसे ले ली, अभी शहर काजी बता रहे थे। साफ तौर से इनका कहना था 68,000 रुपए बेवजह क्यों, हम मुंबई से ही जाना चाहते हैं, या तो आप भोपाल से इसी रेट में भेजिए, नहीं तो हमारा सफर मुंबई से कर दीजिए। अब देखना होगा इस मामले में भारत सरकार हज कमेटी क्या निर्णय लेती है, जो भी करेगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।